ज्ञान की उड़नी चींटी को इग्नोर किया जाए, ये फैसला किया था ना कल दिव्या ने और बाकी घर वालों ने, शमिता वगैरह में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि उड़नी चींटी तो जा जाके छिपट ही रही है, और जब उड़नी चींटी काट रही है तो रिप्लाई ये भी दे रहे हैं, तो इग्नोर कैसे किया जा सकता है। और ऊपर से बिग बॉस की हिस्ट्री ये रही है कि जो घर में ज्यादा दिखता है वो रहता है, और जो रहता है उसके पंगे होते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रतीक सहगल बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है सारे कंटेस्टेंट को, लेकिन ये भी अब लगभग तय हो चुका है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, ज्यादा दूर तक जाएगा, क्योंकि जो पंगे करता है वो बिग बॉस में रहता है, तो इसलिए उसका रहना तो अभी तय है। लेकिन अभी फिर से उसका दिव्या का काफी ज्यादा ब्रेकडाउन हो गया है, उसकी वजह से वो काफी रोई है। बताती हूँ मैं पूरा किस्सा क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपडेट आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे और बोझले ले ला रही हूँ। तो दिव्या का हो गया है ब्रेकडाउन। आपने देखा होगा कि कल भी उनकी जब झगड़ा हुआ था, दिव्या और प्रतीक का झगड़ा हुआ था, तो उसमें प्रतीक ने गाली दी थी दिव्या के बॉयफ्रेंड को। उसके बाद में अब दिव्या ने ये क्लेम किया है कि प्रतीक उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखता, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि प्रतीक उसको गलत नज़रों से देख रहा है। अब ये तो पता नहीं ये सच है या नहीं है, कि सच में वो देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया है कि दिव्या है वो काफ़ी पहले, मतलब आपको तो पता ही होगा रियलिटी शोज़ किया है, तो उनको पता है कि रियलिटी शोज़ में क्या क्या करना है। तो क्या ये सिर्फ एक पब्लिक स्टंट है, और या फिर किसी के कैरेक्टर पर ऐसे उंगली उठाई जा रही है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, स्टार्टिंग में जब ये आए थे इन्होंने क्लेम किया था कि तुम मुझे भाई बोलती थी ये वो, तो ऐसे में इस तरीके का क्लेम, और वो बहुत ज़्यादा इस बात पे रो रही है। सारे कंटेस्टेंट जो है, जैसे कि शमिता, आपको तो पता ही होगा शमिता उनके आसपास रहती है, उनको समझाते हुए नज़र आ रही है, तो इस तरीके का कभी अभी बिग बॉस के अंदर चल रहा है। यही थी अभी की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।